आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। पोटका प्रखंड के कांग्रेस कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए झारखंड के माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री सह वित्त मंत्री झारखंड सरकार रांची सह निवेदक पूर्वक पोटका प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल के साथ साथ गेहूं एवं 1.5 लीटर किरोसिन तेल की जगह 2.5 लीटर तेल देने के लिए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम एवं जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को एक प्रतिलिपि का माध्यम से सह निवेदक पूर्वक बताया गया। पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष आनंद दास का कहना है कि पोटका प्रखंड के आम जनताओं की मांग है कि चावल के साथ साथ गेहूं मिले, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक संख्या में मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति हैं। पोटका प्रखंड में विगत 6 से 7 साल से गेहूं का आवंटन बंद पड़ा हुआ है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए पोटका ग्रामवासी तथा पोटका प्रखंड कांग्रेस कमेटी की मांग है अविलंब चावल के साथ साथ गेहूं देने की कृपा करें एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अवस्था को देखते हुए 1.5 लीटर तेल की जगह 2.5 लीटर तेल देने की कृपा करें। जमशेदपुर से शिव शंकर साह की रिपोर्ट। हम लोग ग्रामवासियों और पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण क्षेत्र के जनताओं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार तो पहुंचाना है। यहाँ पहले जो सरकार थी कांग्रेस का यह सरकार था, उस समय आम जनताओं को कार्डधारियों को गेहूँ दिया जाता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत जो सरकार थे 10-15 सालों से हम लोग का यहाँ का गेहूँ को कटौती किया गया है और यहाँ का जनताओं को गेहूँ नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री साहब, मेरा प्रदेश प्रेसिडेंट से जल्द से जल्द हमारे पोटका क्षेत्रों पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण क्षेत्रों के जनताओं को भी चावल के साथ साथ गेहूं का आवंटन दिया जाए। साथ ही साथ विद्युत व्यवस्था को देखते हुए सभी कार्डधारियों को प्रति कार्डधारियों को 1.5 लीटर क्रॉसिन दिया जा रहा है, उसको 2.5 लीटर किया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट खाद्य आपूर्ति मंत्री साहब वित्त मंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमारे बातों को उनसे पहुँचे और इसको हमारे यहाँ लागू किया जाए।